पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के दयानंद डिग्री कॉलेज के पास नाले में बसीम पुत्र खलील युवक नाम का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। 3 दिन पहले से लापता था बसीम। बीते 3 दिन पूर्व कचहरी तारीख पर गया था, उसके बाद से ही वो लापता हो गया। परिजनों ने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं आज दोपहर बसीम का शव नाले में पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं सीओ सिविल लाइन राजेश कुमार ने बताया कि बसीम पुत्र खलील नाम के युवक है, उसका शव सिविल लाइन क्षेत्र के दयानंद डिग्री कॉलेज के सामने नाले में मिला है और शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाकी की कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। फिलहाल परिजनों ने अभी तक तहरीर नहीं दी है। एक शव मिला है जिसके संबंध में हम लोग शव को निकलवा कर पंचायतनामा और जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी उसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। ऐसा कुछ लोग आए थे जो बता रहे हैं कि उसके परिवार का सदस्य था, जिसके संबंध में मुगलपुरा में गुमशुदगी दर्ज है। हम लोग उनसे जो भी उनके तहरीर देंगे, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके उसमें कार्रवाई कराएंगे। अभी कुछ इस तरह का नहीं है, परिजन अभी सब के साथ जो भी विधिक कार्रवाई होती है उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे ही वो कुछ तहरीर देते हैं वहाँ से विधि कार्रवाई जो अभी स्टार्टिंग में होती है उसे निपटने के बाद जो भी तहरीर देंगे हम लोग उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे।